देखो बॉस, माल वही बेचो जो बिकता है। अगर सिपलाइन जैसा प्रोडक्ट बेचने जाओगे ना तो खाली हाथ ही वापस आओगे। इन शॉर्ट बोलूं तो प्रोडक्ट वही बेचो जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आज की वीडियो में आपको मैं 8 ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूं जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है बट उसको सप्लाई करने वाले लोग यानी उसको बेचने वाले लोग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना वही शर्ट टी शर्ट और जीन्स वही सब बेचने में ज़्यादा बिजी है। और इसीलिए आज की वीडियो में ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूं जिसको बेच के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों फ्रेम। मार्केट में ना दोस्तों ऐसे फ्रेम की डिमांड बहुत ही ज्यादा है बट इसको सप्लाई करने वाले लोग ना बहुत ही ज्यादा कम है, और साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट है यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए पड़ता है आपको। और बिकता कितने में है आप अमेजोन में देख सकते हो, कुछ कुछ 200, कुछ कुछ 250, कुछ कुछ 300, 400, 500 तक बिकता है। तो आप सोचिए आपकी मार्जिन कितनी होगी इसमें। अब अमेजोन में जाके आप देखोगे किसी किसी प्रोडक्ट में रिव्यू 6000 है तो किसी में 1500 है। इतने रिव्यू है ना, हर कोई रिव्यू नहीं देता है, तो इसी से समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट कितने ज्यादा बिकते होंगे। आज का टाइम ना दोस्तों ऐसे फ्रेम की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग अपने कैफे में, अपने बेडरूम में, अपने हॉल रूम में ऐसे पोस्टर लगाते हैं जो कि दिखने में भी काफी बढ़िया दिखता है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेच सकते हो, बनाने के ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। आप बस एक प्रिंट आउट बना दो यानी एक डिजाइन बना के फ्रेम वालों को दे दो, वो आपको बना के दे देगा। अगर आप बल्क में ऑर्डर करोगे ना तो 50 से 60 रुपए पर प्रोडक्ट का पड़ेगा, यानी पर क्वांटिटी आपको 50 से 60 रुपए पड़ेगा, जिसको आप 250 में मिनिमम 250 से 300 तक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों स्लीपर। अब नेक्स्ट टाइम जब आप घर से थोड़ा बाहर जाओगे ना, मार्केट वगैरह जा रहे हो ना, तो लोगों का शक्ल मत देखना, उनके पैर की तरफ देखना। आप देखोगे वो सारे लोग स्लीपर पहने हुए हैं और काफी अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग वैरायटी का वो स्लीपर पहनते हैं। और मार्केट में स्लीपर की डिमांड बहुत ज्यादा है बट इसको ना सप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। एक्चुअल में देखो मार्केट में नॉर्मल स्लीपर नहीं, जो डिजाइनिंग स्लीपर आती है ना जैसे कि इमेज में आप देख रहे हो, ऐसे स्लीपर की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेच सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, फिर कोई मैन्युफैक्चर जो करता है उससे लाके आप बेच सकते हो, या फिर रीसेलिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता रीसेलिंग क्या है तो रीसेलिंग बिजनेस के ऊपर मैंने पूरे कंप्लीट कोर्स बनाया है, वहां से जाके आप सीख सकते हो रीसेलिंग बिजनेस क्या है, कैसे आप रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा, आप कमीशन कैसे डिसाइड करोगे, बेचोगे कैसे, पेड मार्केटिंग कैसे करोगे, हर चीज मैंने अपने कोर्स में समझाया हुआ है। तो अब मुद्दे में आते हैं। तो ऐसे आप स्लीपर बेच सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको देखेगा कितने स्लीपर ऑनलाइन बिकते हैं। देन थर्ड है दोस्तों रिंग लाइट। अब आप बोलोगे यार ये तो हमको पता था, अब अगर पता था तो बेचते क्यों नहीं हो। देखो यार आज के टाइम ना हर एक घर में एक टिकटॉकर है, टिकटॉकर नहीं हर घर में क्रिएटर है, और सबके पास ना एक रिंग लाइट होता ही है। इवन मेरे सामने भी रिंग लाइट ही लगा हुआ है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो रिंग लाइट की डिमांड ना मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे आपको मैं अमेजोन में दिखाऊंगा तो ये तीनों लाइट मिला के 40,000 रिव्यूज है, 40,000 रिव्यू है, मतलब 1,000,000 से ज्यादा इसकी क्वांटिटी बिक चुकी है। तो समझो यार मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है। और ऐसे में आप चाइना से ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकते हो, या फिर इंडिया में ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो ऐसे लाइट बनाते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसकी डिमांड अभी तक घटी नहीं है, है ना, एक सर्कल रहता है ना कि ऐसा आता है डिमांड फिर कम हो जाता है, तो अभी इसका हाई ही है, ठीक है, कम बहुत टाइम है, अभी तो कम नहीं होने वाला है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, थोड़ा लेट हो बट बहुत ज्यादा लेट नहीं हो, तो ऐसे प्रोडक्ट भी बेच पाओगे। देन फोर्थ है दोस्तों ज्वेलरी। दोस्तों ज्वेलरी की डिमांड ना मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। अब मैं ज्वेलरी ऐसे ज्वेलरी बोल रहा हूँ जो कि डेली यूज में होता है, ठीक है। आज के टाइम ना जो फीमेल्स होती है वो ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह पहनती है, तो हर बार वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि हर बार वो गोल्ड का ले, और इसीलिए ऐसे कोई ज्वेलरी लेते हैं जैसे कोई फंक्शन है तो वहां पे जो वो ड्रेस पहन के जा रहे हैं उससे मैचिंग वो ज्वेलरी ले लेती है, ठीक है, उसको एक बार पहन के पहले फेंक देती है। तो ऐसे कम रेट वाले जो कि दिखने में ज्यादा अच्छे हो ऐसे ज्वेलरी आप बेच सकते हो। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, हर एक लड़की चाहती है कि उसके ड्रेस के साथ उसका ज्वेलरी मैच करे, और इसीलिए ना वो ज्वेलरी बहुत ज्यादा बाय करते हैं और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, और इसकी जो सप्लाई है ना बहुत ज्यादा कम है। इवन मेरे साथ बहुत सारे रीसेलर्स जुड़े हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ज्वेलरी वाले का नंबर दो, ज्वेलरी वाले का नंबर दो, ठीक है, बट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतने ज्वेलरी बेचने वाले लोग मार्केट में है नहीं। तो ऐसे ज्वेलरी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। और देन अभी जो प्रोडक्ट बोलने वाला हूँ ना वो आप भी चाहते हो कि आपके रूम में लगा हो या फिर आपके घर पे थोड़ा वो सारी चीजें लगी हो, और वो है डेकोरेट लाइट्स, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के लाइट। और इवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना उसमें से मैक्सिमम लोग के घर में ऐसे लाइट लगे भी होंगे, फिर कुछ फंक्शन वगैरह होता होगा तो वो बाय भी करते होंगे। तो ऐसे डेकोरेट वाले लाइट की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। इवन आपके घर में लगा है नहीं
नहीं लगा है नीचे कॉमेंट में बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों के घर पे लगा है, और अगर लगा नहीं भी है ना तो उसके घर में रखा तो होगा ही जो वो किसी फेस्टिवल वगैरह में यूज करते हैं। इवन अगर मैं अमेजोन की आपको वेबसाइट दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो हजारों का यहाँ पे रिव्यू है ना, हर लाइट में हजार हजार रिव्यू है, तो लाखों इसकी क्वांटिटी बिकती है क्योंकि मैक्सिमम लोग तो रिव्यू देते ही नहीं है। देन सिक्स है दोस्तों एक्सरसाइज इक्विपमेंट। अब देखो एक्सरसाइज इक्विपमेंट की नीड ना हर एक लड़कों को होती है, थोड़ा सस्ते में अगर उनको प्रोवाइड करवा दो ना तो हाथों हाथ बिकेगा। अब वो अलग बात है कि लड़के खरीद के उसको यूज करते हैं नहीं करते, क्योंकि मेरे पास ही पड़ा है बट मैं यूज नहीं करता, ठीक है, सालों हो गया, साल में शायद मैं 10-12 दिन अगर यूज किया हूं तो किया हो, बट हर लड़का चाहता है कि उसके पास जिम की इक्विपमेंट हो। तो ऐसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि डंबल हो गया, ठीक है, जिम बोतल हो गया, हैंड ग्रिपर हो गया, टमी ट्रिमर हो गया, फिर जैसे रोलर हो गया, तो ऐसे कोई एक प्रोडक्ट लेके उसको भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो। जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, तो कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो, ठीक है, जैसे कि हैंड ग्रिपर हो गया, बस उसी को बेचो। जो भी बेचोगे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो धराधर बिकेगा, ठीक है। बेचना कैसे है अमेजोन में, हम कैसे बेचे, कैसे सेल्स इंक्रीज करें, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कॉमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अमेजोन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो, कौन कौन से टेक्निक हमको वहां पे यूज करनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट में बता देना। देन दोस्तों होम डेकोरेट। अब देखो हर कोई चाहता है कि उसका जो घर है ना थोड़ा सा सुंदर दिखे, और इसके लिए वो कुछ डेकोरेशन वाला सामान लेके आता है, जैसे मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ये एक तो नहीं दो तीन रखा हुआ है अलग अलग जगह पे, तो ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देखो हाथ में भी है तो ये कितना सुंदर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ऑनलाइन आप देखोगे तो बहुत सारे पोस्टर वगैरह मिल जाएगा, फिर हैंड क्राफ्टेड जो प्रोडक्ट होती है, आइटम्स होती है, वो भी ऑनलाइन बिकते हैं ना, फिर आर्टिफिशियल ट्री जो कि मैंने आपको दिखाई है, रियल ट्री नहीं है, ये आर्टिफिशियल ट्री है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप बेच पाओगे। इवन आप अमेजोन में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट दिखेगा। ऑनलाइन कहीं भी चले जाओ और लिखो होम डेकोरेट प्रोडक्ट्स, तो आपको बहुत सारे वहाँ आइडिया मिल जाएगा, वहां से आप कुछ एक चूज करके आप ऑनलाइन बेच सकते हो। इवन आपको अगर मैं अमेजोन में जाके दिखाऊं ना, तो इसमें देखो 22,000 रिव्यू है, ये वाले प्रोडक्ट में 40,000 रिव्यू है, मतलब समझो कितने बिके हैं यार, 10-12 लाख क्वांटिटीज की बिक चुकी है तभी इतने रिव्यूज इसमें आए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप हाथों हाथ बेच के बहुत ही अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। देन दोस्तों बुक्स। अब आपको लग रहा होगा कि आप बुक्स भी बिकता है, आप इंस्टाग्राम में जाओगे ना तो देखोगे वहां पे बहुत सारे ऐसे पेज है जो कि सिर्फ बुक्स बेच के महीने के 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। इवन मेरा एक चैनल भी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं बुक से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना पसंद है और मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ, ठीक है, तो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। तो ऐसे आप ऑनलाइन बुक्स बेच सकते हो, अमेजोन में जाके आप देखोगे कितने सारे वहाँ पे बुक्स है, ठीक है, और उसमें रिव्यूज कितने ज्यादा है। और बुक्स की सबसे खासियत यह होती है कि आपको जीएसटी की नीड नहीं होती है ना, बहुत लोगों के पास जीएसटी नहीं है तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट में बुक्स बेच सकते हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, तो ऐसा बेच के आप पैसा कमा सकते हो। अब देखो बात आती है कि यार प्रोडक्ट हम कैसे ऑनलाइन बेचे, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप सीख सकते हो कैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो, कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्राफिक लाते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसके ऊपर पूरी वीडियोस बहुत सारी बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।